तो गाइस मैंने एक नया पुलअप बार लिया है तो सोचा वीडियो बना दूं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि कैसा है, मैंने कितने का लिया है। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा नया पुलअप बार जो मैंने ठीक अपने दरवाजे के ऊपर लगवाया है। इसका कोई कारण तो नहीं था, बस इजी पड़ा इसलिए यहाँ लगवा दिया है। आप देख सकते हैं ये मुझे पड़ा है अराउंड 1500 का और इसको लगवाने के अलग से 300 रुपये लगे। मैंने इसे बनवाया था इसलिए 1500 का पड़ा, नहीं तो अमेज़न पे सस्ता मिल जाता है। तो देखिए ऐसा था, मैं आपको करके ही बताता हूँ। तो गाइज मैं बता दूँ इसमें अपन 3 टाइप की पुलअप्स कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट वाली तो ये वाली, फर्स्ट तो ये हो गई, सेकंड वाली चिनअप्स, चिनअप्स। इसमें पता चलता है कि अपन से बनता है कि नहीं, इसमें बहुत कठिन है उसके हिसाब से जो पहले बनाया था। और लास्ट है वाइट ग्रेप, ये वाली नहीं हो रही भाई, बहुत कठिन है वाइट ग्रिप, बहुत वक्त लगेगा सीखने में। यही था वीडियो पुलअप बार के ऊपर। और हाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको सवाल हो कि भाई तुमने जो पुराना वाला बनाया था तुम उसी के ऊपर क्यों नहीं लटकते, तुमने पुलअप बार क्यों लिया, तो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए पुराना वाला जो मैंने बनाया था इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी सुनिए। इसमें ये लटकने के लिए तो बहुत अच्छा था लेकिन पुल अप चिन अप्स करने के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि जब भी पुल अप्स करो ना देखिए ये ना ऐसा ऐसा, जब भी पुल अप्स चिन अप्स करो ये आगे पीछे होता रहता था तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती थी। तो यही था कारण, इसलिए मैंने ये पुल अप बार ले लिया। और मिल रहा था तो ले लिया, बाजू में ही रहते थे बनाने वाले तो ले लिया। और सही है क्योंकि उससे अगर आपको वो बनाना है तो वो सिर्फ लटकने के लाने ठीक है, लेकिन अगर आपको पुशअप पुलअप्स और चिनअप्स करनी है तो पुलअप बारी पे कीजिए। और अगर आपके यहाँ पुलअप बार नहीं है तो ऐसी सेल्फ होंगी उन सेल्फ पे कीजिए। तो लोग यही था आज का वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।